मुझे अब तक जांच से पता लगा है जिला प्रशासन ने कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की है। ये कोई पुराना कोर्ट मैटर नगर पालिका और वक्फ बोर्ड के बीच में चला आ रहा था जिसमें कोई एग्जीक्यूशन था और वो कोर्ट के कार्यालय ने अपने स्तर पर कोई कार्रवाई की है तो हमने उसका भी संज्ञान लिया है और इसमें नगर पालिका के एक तो कर्मचारी ने भी बिना अधिकार के अपना पोजीशन हैंड ओवर करने की अथॉरिटी दे दी है जो कि उनको वो सक्षम अधिकारी नहीं थे तो विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है और ये मसला जो है एक कोर्ट ऑर्डर से पैदा हुआ है तो उस कोर्ट ऑर्डर को भी चैलेंज किया जाएगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ऐसे में लाइन ऑर्डर की स्थिति खराब होने की बनी हुई है सर? नहीं नहीं, कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा और इसमें मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि वो अपने शांति व्यवस्था को बनाए रखें। ये जैसे ही मामला संज्ञान में आया है हमने तुरंत आवश्यक कार्रवाई इसके ऊपर शुरू कर दी है। इसमें एक कोर्ट के आदेश से कोई डिमोलिशन किसी व्यक्ति द्वारा कराया गया है जो कि जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर है तो उस पक्ष उस एंगल से भी इसके ऊपर जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका के किसी कर्मचारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई बयान नगर कोर्ट में दिया है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और इस विषय को विद इन द रूल्स निश्चित तौर पर सुलझाया जाएगा। कोई स्थान को नुकसान करने की या आहत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी चाहे वो बेवकूफी में हो चाहे वो अल्टीरियर मोटिव से हो। दोनों परिस्थितियों में ऐसे गैर जिम्मेदार कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनभावनाओं को किसी हालत में आहत नहीं होने दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एसेट था हमारे नगर का जहां पर रामलीला ओपन एयर थिएटर और अन्य प्रकार के कार्यक्रम प्रशासनिक कार्यक्रम भी वहां पर होते रहे हैं।